दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नेहर चौक मंडी। जुब्बल से 6,293 वोट की लीड लेकर विजय रहे कांग्रेस के रोहित, अर्की फतेहपुर में भी हाथ को सबका साथ। ज्वाली कॉलेज की नाटी लाजवाब, ग्रुप डांस में भी मारी बाजी। धनतेरस पर चहक उठा ऊना का बाजार। सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रदर्शनी में धड़ाधड़ बिक रहे हाथों से बने उत्पाद। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा को जबरदस्त झटका मिला है। जुब्बल कोटखाई में भाजपा को मात देते हुए कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने बाजी मारकर चुनाव अपने नाम कर लिया है। रोहित ठाकुर 6,293 वोटों की बढ़त लेकर विजयी हुए हैं। दूसरी ओर अर्की से कांग्रेस के संजय अवस्थी भाजपा प्रत्याशी रतन पाल से बढ़त बनाए हुए हैं। यहां 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद रतन पाल को 15,830, कांग्रेस के संजय अवस्थी को 19,812 और आजाद प्रत्याशी जीत राम को 387 मत मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त फतेहपुर में भी मामला रोचक बना हुआ है। 20वें राउंड की मतगणना में भाजपा को 15,769, कांग्रेस को 20,486, पंकज दर्शी को 320, अशोक सोमल को 253 और राजन सुशांत को 11,430 मिले हैं। युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला प्लोहड़ा में करवाए गए युवा उत्सव में राजकीय महाविद्यालय ज्वाली नाटी में नंबर वन रहा। सोलो गाने में वत्स युवक मंडल धड़ू का बादल प्रथम, डिग्री कॉलेज ज्वाली की लक्ष्मी द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला प्लोहड़ा की सेजल तृतीय स्थान पर रही। सोलो डांस में प्लोहड़ा स्कूल का आकाश प्रथम, अंजलि द्वितीय और डिग्री कॉलेज ज्वाली की आरुषि तृतीय स्थान पर रही। झुमाकड़ा में बेहतरीन प्रस्तुति पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला प्लोहड़ा को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ग्रुप डांस में डिग्री कॉलेज ज्वाली प्रथम, नेहा एंड पार्टी द्वितीय और ईशा एंड पार्टी तृतीय रही। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस एंड टू गेट यूजीसी अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 years ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मेसी, बीटेक, डिप्लोमा फार्मेसी इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, बीएससी एमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएएमएस, बीपीटी, एमएससी इन एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, एमए इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, एमटेक, एम फार्मेसी, पीएचडी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। धनतेरस पर्व के उपलक्ष्य पर ऊना के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने जमकर सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी की। इसके अलावा आज बर्तन भी खूब बिके। बाजारों में ग्राहकों के हुजूम को देखकर दुकानदारों के चेहरे भी खूब चहके हुए दिखे। धनतेरस पर्व को लेकर दुकानदारों ने भी समय से पहले ही दुकानें खोल दी। ज्वेलर शॉप सहित बर्तनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। बताते चले कि धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषणों सहित बर्तनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के कार्यालय परिसर में स्वर्ण जयंती शहरी समृद्धि उत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के चेयरमैन धर्मजीत सिंह और जेई प्रमोद सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शनी में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हाथों से बना नेटिंग मटेरियल, विशेषकर स्वेटर, ग्लव्स, मोजे, पिल्लो कवर और बढ़िया इत्यादि को प्रदर्शित कर बिक्री कर रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी प्रदर्शनियों के आयोजन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु मौका मिलता है। उधर समन्वयक मोनिका रानी ने बताया कि स्वर्ण जयंती शहरी समृद्धि उत्सव के अंतर्गत लगाई गई प्रदर्शनी 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी। पंचायत दौलतपुर चौक में स्वर्ण जयंती, मिनी स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाती हैं, उनकी एग्जीबिशन कम सेल लगाई गई है। और इसमें जैसे कि स्वेटर बनाती हैं, सर्फ बनाती हैं, बढ़िया अचार और भी कई चीज़ें हैं जो जिन्हें लोग खरीद रहे हैं और लेडीज़ को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। नगर पंचायत दौलतपुर चौक में स्वर्ण जयंती शैली समृद्धि की प्रदर्शनी लगाई गई है नगर पंचायत दौलतपुर चौक में। और
जो सेल्फ ग्रुप वाली औरतें हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा सामान बनाकर लाया हुआ है और उनकी लोग सीख रहे हैं और उनकी बहुत कर रहे हैं, उनकी तरी बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा सामान बनाया हुआ है, जैसे कि बैसकिन बॉर्डर है, स्वेटर है, चार है, अलग अलग किस्म के कई किस्म की वरायटी बनाकर लाई है। जौलपुर चौक में स्वर्ण जयंती शहरी समृद्धि उत्सव 2021 के तहत 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित सामान की प्रदर्शनी की जा रही है, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित किए सामान की लोगों के द्वारा काफ़ी तारीफ की जा रही है तथा खरीदारी की जा रही है। आज दिनांक 2 नवंबर दिन मंगलवार को भी काफ़ी लोगों ने जहाँ पे आके स्वयं सहायता समूह के सामान को खरीदा और उनकी तारीफ की। इससे स्वयं सहायता समूह में काम कर रही महिलाओं का मनोबल बढ़ा है और हम आशा करते हैं वो और भी अच्छे उत्पादित करें।